हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि घर पे कैसे करें ब्राइडल मेकअप खुद से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा है इसे इस तरीके से क्लिक कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन को भी इस तरीके से क्लिक कर देना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्राइमर लगाऊंगी जिससे हमारा मेकअप सेट हो जाए। काफी इतना। अब मैं आईज पे थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर से क्या होता है कि आप जो आई शेडो लगाएंगे तो वो आपका अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा मैट पाउडर लगाऊंगी। अब मैं आई शेडो का ये वाला कलर लूंगी। आप डार्क कलर कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इस कलर को तो पूरा कर लिया है। अब मैं ब्लैक कलर लूंगी आई शेडो का और अंदर यहाँ पे फिल कर दूंगी। इस वाले ब्रश से, बहुत फ्लफी ब्रश है। तो मैं ये जो कोने में मेरे नहीं पहुंच रहा है ब्रश, तो मैं इस बर्ड से इस तरीके से फिल करूंगी। तो देखा आपने, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है मेरा ये इस वाला इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरा आई शेडो कंप्लीट है। अब मैं लगाऊंगी आई लैशेस। तो ये लग चुका है फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ी सी सुखा लूंगी। देख सकते हैं, तो ये सुखाऊंगी मैं। थोड़ा सा मेरे फेस पे भी फैल गया है तो इसे भी साफ कर लेती हूँ मैं। और देखो कितने अच्छे तरीके से लग चुका है ये। इसमें हल्का हल्का सा गम दिख रहा होगा, ये सूखने के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। इसे सुखा लेती हूँ। हल्का वैसे सूख चुका है, हल्का हल्का सा गीला है। तब तक मैं इस वाले आईज को आईलैशेस लगा लेती हूँ। कभी भी आईलैशेस आप लगाते हो तो आपको यहाँ से और यहाँ से नापना है
को दोनों कॉर्नर से नहीं नापना है। अगर आप इतना ऐसा करोगे तो आपका आईलैशेस बहुत ही आसानी तरीके से लग जाएगा और बहुत ही कम समय में भी लग जाएगा। तो कभी भी आप ध्यान रखना, आईलैशेस अगर वैसे बड़ी ही आती है, आपके आईज के हिसाब से नहीं आती, तो उसे हमेशा कॉर्नर से एक जगह से नहीं काटना, आपको इधर से और इधर से भी काटना है, दोनों तरफ से काटना है, एक तरफ से नहीं काटना है। उसके बाद जब आप गम लगाते हो और उसको इस तरीके से नहीं लगाना, आपको यूं कर देना है थोड़ा सा, ताकि आपके आईज पे अच्छे से लग जाए। इस तरीके से लगनी चाहिए। देखो मैंने भी कॉर्नर से काट रखा है, तभी आसानी से लग जाता है, वरना अगर मैंने नहीं काटा तो ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं लगता, बहुत परेशान होना पड़ता है। और फिर बड़ी लैसेस लगाओगे तो आपके आंखों पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब लाइनर लगाना है। सिंपल है। तो आईलाइनर रेडी है, लग चुका है, और अब सुखाना है थोड़ा सा, तो मैं सुखाऊंगी। तो फ्रेंड्स लाइनर हमारा सूख चुका है, अब मैं आईब्रो को फिल कर लूंगी। तो आईब्रो फिल कर लिया मैंने, अब मस्कारा लगाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स लोअर लैशेस पे मैं लाइनर लगाऊंगी, आप चाहे तो काजल भी लगा सकते हैं, पर इससे क्या होगा कि आपका काजल जो है, किसी किसी का तो बहता है, वो बहेगा नहीं, मतलब यहाँ से निकलते रहता है काजल, पिघल जाता है, तो वो नहीं होगा। आंखों के अंदर नहीं लगाना आपको, सिर्फ लोअर लैशेस पे लगाना है। इस तरीके से लगाना है, ये थोड़ा साफ कर लेती हूँ। तो मैं लगा चुकी हूँ लोअर लैशेस पे, अब मैं काजल लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स काजल तो मैं लगा चुकी हूँ, अब मैं ये वाला कलर थोड़ा सा लोअर लैशेस पे लगाऊंगी। आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई मेकअप तो रेडी हो चुका है, अब फेस को रेडी करना है। तो आपको इसी तरीके से करना है, बस आपको आइडिया पता होना चाहिए। आप कोई सा भी आई शेडो कलर ले सकते हैं, आप कोई सा भी लाइनर ले सकते हैं, कोई सा भी कलर का, बस आपको आइडिया पता होना चाहिए और तरीका आना चाहिए लगाने का और मेकअप करने का। मुझे ये वाला कलर पसंद था तो इसलिए मैंने ये वाला कलर करा है आई शेडो का। अब कोई सा भी है जो आपको पसंद हो। अब मैं फेस को रेडी करूंगी, तो फेस पे मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ कंसीलर लगाऊंगी।
आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, मगर मैं हाथ से कर रही हूँ। प्लस तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी, फेस को सॉरी चिक को। नेक्स्ट है लिपस्टिक, तो लिपस्टिक लूंगी मैं रेड कलर के, हल्का सा ये मरूम है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्राइड मेकअप बिल्कुल रेडी है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप भी ट्राई कर सकते हैं। हेयर स्टाइल आप कोई सा भी कर सकते हैं, या फिर आप जूड़ा बना लीजिए, या फिर खुले रख लीजिए, या फिर कोई सा भी जो आपको पसंद हो वो आप हेयर स्टाइल रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये लुक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और ये बहुत इजी है इसे रेडी करना, वो तो आपने देख लिया, बहुत ही आसानी से ही इस लुक को आप रेडी कर सकते हैं। आई शेडो का कलर आप अपनी मर्जी से लगाइए, हेयर स्टाइल आप अपनी मर्जी से कीजिए, जो आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।